महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आपने कितना समय काम किया महत्वपूर्ण तो परिणाम है हेलो इंडिया स्वागत है आप सभी के आपने, आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना बिहार में दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के मोतीपुर ब्लॉक के हरनाही गांव में दरअसल दोस्तों तीन भाइयों ने मिलकर अपने काम में समय भी दिया और उनके परिणाम से आज वो और उनके परिवार खुशहाली के जीवन जी रहा है दरअसल दोस्तों इस वक्त हम जैसा कि आप देख सकते हैं बगल में तालाब है और यहाँ पर डक फार्मिंग की जाती है तीन भाइयों ने मिलकर दोस्तों बिहार में सबसे पहले इन्होंने डक फार्मिंग का काम शुरू किया आज से लगभग पाँच साल पहले काम शुरू किया तो मैं आप लोगों से मिलवाना चाहूँगा विक्की जी से जिन्होंने काम शुरू किया और जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में किस तरीके से जो विक्की जी है कैसे इन्होंने काम शुरू किया विक्की जी देश के युवाओं के साथ साथ खासकर मैं बात करूँगा बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है दोस्तों हम सब जहाँ एक तरफ रोजगार की तरफ भाग रहे हैं हालांकि नौकरी की तरफ भाग रहे हैं लेकिन यदि आपके पास ज़मीन है तो आप खुद का व्यापार कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आप आप किस तरीके से ड्रग फार्मिंग शुरू कर सकते हैं चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और विक्की जी से उनकी पूरी स्टोरी समझते हैं दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं विक्की जी चलिए इनसे बातें करते हैं विक्की जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे फार्म पर आने के तो विकी जी आप हमें सबसे पहले बताइए कि आपने डक फार्मिंग यानी कि बत्तख का पालन कब शुरू किया था हम दो हजार सोलह से बत्तख के फिर तो आप ये आप ये इसकी कहानी है? कहानी है आदमी अपना रोजगार ढूंढेगा जरूर कमाने के लिए जी जी हम देखिये तब बत्तख पालन अपना बिहार में धंधा चालू भी नहीं था बहुत सारा धंधा था बत्तख पालन नहीं था और बत्तख पालन नहीं था तो हम लोग बत्तख पालन से काम शुरू किए तो बहुत शुरू में दिक्कत हुआ था जीज़। 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 तो शुरुआत में आपने कितने बच्चों के साथ इस काम को शुरू किया था बारह सौ से शुरू किए थे शुरू में बहुत ज़्यादा मरता था नॉलेज के चेक साथ में तो अभी तो खैर आपको एक्सपीरियंस भी हो गया है हाँ। जी तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं इस तालाब में आप विकी जी हमें बताइए कि कितनी बत्तख इसमें मौजूद है दो हजार मौजूद है इसमें बत्तख बत्तख और किस नस्ल की बत्तख है रनर है इंडिया रनर जी तो यदि कोई भी नया युवक खासकर बिहार के युवा से मैं दोस्तों बोलना चाहूंगा यदि कोई भी नया काम शुरू करना चाहता है व्यापारी तो किस तरीके से काम शुरू कर सकते हैं थोड़ी सी आप हमें दिशा निर्देश दे दीजिए शुरू में कोई भी आदमी ध्यान काम चालू करेगा तो बच्चा चिक्स रहेगा छोटा तो उसको ध्यान देना है से बीमारी उमारी ना साफ़ सुथरा पर ध्यान देना है उसको टाइम से दाना उना देना है पानी और मेहनत के साथ साथ धंधा चालू करना है तो आप इसकी किस को फिलहाल किस पर्पज़ से रखें अंडे के लिए रखें या फिर मांस के लिए अंडा ना, ना अंडे के लिए हम रखे हुए रोजाना कितना अंडा का उत्पाद हो जा रहा है अभी बारह सौ से, से तेरह सौ अंडा पड्डा ही कल रहा है जी तो अंडा को फिर आप क्या कहीं सेल करते हैं फिर कुछ और काम करते हैं हैचड़ी में लगवाते हैं हैचड़ी लीज पर लिए हुए हैं हैंचड़ी में लगवा के बच्चा हम डिलीवरी करते हैं तो यदि कोई व्यक्ति व्यापार को शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरू कर सकता है अंडे के लिए पर्पज से शुरू करें तो बेहतर रहेगा कि मांस के पर्पज से शुरू करें या फिर हेंचड़ी के लिए तो अंडे के पर्पज से शुरू करेगा तो अच्छा रहेगा शुरुआत में जी जी तो अगर कितने रुपये की लागत है कम से कम आप हमें ये बता दीजिए बत्तख में जी बत्तख में आपको उस बच्चा से और चार महीना तक पालिएगा तो ढाई सौ रुपया खर्च आ जाएगा एक बत्त पर अगर टोटल मतलब कितने बत्तख के साथ काम शुरू करें ताकि कुछ अनुभव भी हो जाए कुछ पैसा कमा सके देखिए आदमी धंधा पूंजी के हिसाब से काम होता है जी पूजी इंसान के पास कम है तो अपना कम से चालू ज्यादा पूंजी है तो ज्यादा से चालू करे, से चालू करे से तो कम, कम से रहेगा आदमी नॉलेज भी हो जाएगा कम मतलब कितना रुपए कम से कम दो सौ चार बत्तख से चालू कीजिए पाँच सौ बत्तक यानी कि जब तक वो अंडा देगी तब तक उस समय तक कितना रुपये खर्च आ जाएगा पांच सौ बत्तक में लाख बीस से तीस खर्च आ जाएगा पाँच सौ बत्तर दवा वाले के मैक्सिमम मैक्सिम ट्वेंटी

किसी मुर्गी को जब बीमारी आता है तो पूरा फार्म का फार्म साफ हो जाता है तो क्या ये बतख में ऐसा कुछ होता है क्या बतख में ऐसा नहीं होता बतख बहुत मजबूत पक्षी है जंगली पक्षी है बतख जी, जी। बतख में मृत्यु दर बहुत कम है के बराबर तो यदि कोई किसान भाई इस बिजनेस को शुरू करना चाहता है तो कहाँ से बच्चा ले सकता है बतख का बच्चा हम लोग दे देंगे हम लोग हाचेरी है जी जी हम लोग बच्चा हम लोग दे देते हैं जी और अगर अंडे की अंडे की जो खपत की समस्या आ रही है उसके लिए क्या आपके पास कुछ अंडा हम लोग ले लेंगे अंडा गलत परेशानी नहीं हुआ किसान की अंडा हम लोग ले लेंगे। जी तो मतलब ए, ए, एक अंडे की क्या कीमत होती तो है थोड़ा अंडा कीमत होता है अंडा के आठ रूपए ऐसी कम कीमत नहीं होता है जी अंडा के रेट डेली चढ़ाव उतरा रहता है जी जी कभी भी आठ रुपए ऐसी डाउन नहीं होता है आठ रुपए नौ रुपए दस रुपए ग्यारह रुपए तक अंडा बिकता है जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंडा है बत्तर का अंडा हालांकि ये अंडा मुर्गी की अंडा के तुलना में इसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है जी जी बड़ा साइज होता है जी बड़ा साइज होता है और क्या ये अंडा मतलब खुलेआम ऐसे जो रिटेल जो शॉप होती है क्या उसमें मिलता है ना ना ये अंडा नहीं मिलेगा वो मुर्गी का अंडा मिलेगा तो अंडा

मतलब कोई चोरी वगैरह तो है वो डर नहीं चोरी के यहाँ डर नहीं है जी तो दोस्तों यदि आपके पास भी ज़मीन है तो उस ज़मीन का सही उपयोग करके आप भी बत्तख पालन शुरू कर सकते हैं दोस्तों हालांकि बत्तख पालन पे ये मेरी इस चैनल पे पहली वीडियो है यदि कोई भी दोस्तों बात रहेगा ये बत्तख पालन से रिलेटेड तो आप बेजीजा कॉमेंट कर सकते हैं रहेंगे आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे कोई बात रहेगी तो आप बिल्कुल कॉमेंट करके पूछ सकते हैं तो दोस्तों जैसा कि आप दस सजिए वहाँ पर उनका दाना भी रखा हुआ है विकी जी आप हम ये बताइए कि जो बत्तख का दाना आता है इस एक बोरी में कितना केजी रहता है और उसकी कीमत क्या होती है बत्तख के दाना पचास के जी जाता है और कीमत तो डेली कोई फिक्स नहीं है कीमत के की दाने का मतलब लगभग कितना है अभी तक साढ़े दस सौ के आसपास दाना मिल जाएगा यानी कि एक हज़ार पचास रुपए जी और य, य, जो फिलहाल आपके पास दो हजार बत्तक है इसमें कितने दाना कितनी बोरी दाना लग जाती है अभी तो मान लीजिए इसमें लगा है छः बोरी दाना छः बोरी दाना जी तो यदि दाना का कॉस्ट निकाल दिए सारा कॉस्ट निकालने के बाद आपका प्रतिदिन कितना रुपए की आमदनी हो जाती है वही मान लीजिए आमदनी डेली के छः से सात सर છે તો ₹7000 આમદની આપકી હો જારીયાની કે મહિને કે કિતને હોઈ આપ મહિને કોઈ જોડ લેજી 1.5 લાખ કમ સે કમ 1.5 લાખ 1 લાખ 40-50 હજાર 60 હજાર ઉપર નીચે ઉસમે કરકે કમા સકતે હે દોસ્તો જૈસા કે આપને દેખા કે પિછલે 5 સાલ સે કામ કરને કે બાદ ઇન્હોને હાલેકી ઇસ કામ મે ઉતાર ચડાવ ભી હુઆ ઇન્હોને અપને ગલતીઓ સે શીખ ભી લી હાલેકી હર હર કામ મે ઉતાર ચડાવ હોતા રહેતા હે તો સબ ચીયો સાન અનુભવ લેને કે બાદ સે શીખ લેને કે બાદ સે विक्की जी ने काम शुरू किया आज आज महीने की एक से डेढ़ लाख रुपए इनकी कमाई हो रही है और इनके काम में सहयोग देने के लिए विक्की जी आपके काम में सहयोग देने के लिए कौन कौन है उपस्थित रहता है यहाँ पे रहते हैं यहाँ हम लोग तीनों भाई अपने रहते हैं पापा जी रहते हैं पापा जी आपके पहले क्या करते थे पापा जी बाहर में अपना काम करते थे पहले और अब अभी भी क्या करते हैं घर पर रहते हैं मतलब काम शुरू होने के बाद से अपने पापा जी को यहाँ पे बुला लिए ना जी। तो दोस्तों जैसा कि जा सकता इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती इनके फादर बाहर काम करते थे लेकिन इन्होंने अपना जब काम शुरू किया तो इनके पिताजी भी इन्हीं काम में लग के इनका सहयोग दे रहे दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जब कमाने लगे पैसा जब आपका बिजनेस शूट हो जाए तो बहुत ही एक आराम देने वाली बात है सबसे बड़ी बात इससे कुछ नहीं होती कि आपके पिताजी आपके घर पर रहे अपने परिवार के साथ रहे और आपने क्षेत्र में रहकर आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं दोस्तों बिजनेस बहुत सारी समाज में हमारी इर्द गिर्द घूमती रहती है और बिज़नेस कोई भी छोटा नहीं होता तो यदि आप भी बत्तख पालन करना चाहते हो तो बत्तख पालन बिल्कुल आप शुरू कर सकते हैं यदि आपको कोई जानकारी लेनी हो कोई बात पूछनी हो तो विकी जी से आप पूछ भी सकते हैं किसी भी बत्तख पालन से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो तो आप विकी जी से आप पूछ सकते हैं उनका नंबर दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई सोच के साथ विकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपसे फिर मुलाकात होगी जय हिंद जय भारत